नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नचार न्यूज के यूट्यूब चैनल में। आज नेपाल से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि नेपाल को कभी कमजोर देश समझने की भूल ना करना, क्योंकि नेपाल ने अब तरक्की करने के बहुत बड़े बड़े नुस्खे अपना लिए हैं और अब नेपाल विदेशी लड़कों को डॉक्टर की पढ़ाई देने जा रहा है, जिससे आज भारत भी हैरान है क्योंकि नेपाल अब एक विकासशील देश बन चुका है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको पता चल पाएगा कि आखिर नेपाल ने इतना बड़ा क्या काम कर दिया जिससे आज पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। नेपाल आज के दौर में बहुत बड़े बड़े विकास करता नजर आ रहा है और नेपाल के जुमला जिले में कई देशों के बच्चे डॉक्टरी की पढ़ाई करने आने वाले हैं। नेपाल के जुमला में MBBS की पढ़ाई पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाली है। नेपाल के बर्फ वाले इलाकों में शिक्षा क्षेत्र के 23 संस्थान यानी कॉलेज खुलने वाले हैं। नेपाल ने शिक्षा क्षेत्र के कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं। कमाल की बात तो ये है कि अभी तक इन प्रोजेक्टों पर सहमति ही हुई है और 30 लड़कों ने इन कॉलेजों में एडमिशन MBBS की पढ़ाई करने के लिए ले लिया है। यहाँ पर MBBS की पढ़ाई करने विदेशी लड़के आने वाले हैं, यानी नेपाल का जुमला जिला पूरी दुनिया को डॉक्टर देने वाला है और ये नेपाल के लिए गर्व की बात होगी और नेपाल के जुमला को मेडिकल हब बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। नेपाल के ग्रामीणों ने मेडिकल कॉलेज के लिए अपनी जमीन भी दान कर दी ताकि नेपाल का विकास हो सके। नेपाली नागरिक अपने देश के लिए हर समय तैयार रहते हैं ताकि उनका देश विकास करे और हर देश को पछाड़ कर नंबर वन देश बन जाए। नेपाल का सालों पुराना सपना अब पूरा होने वाला है क्योंकि नेपाल के अंदर एक साथ 23 मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं जो हर देश को डॉक्टर देंगे, क्योंकि नेपाल के बच्चे अब अपने देश में बन सकेंगे डॉक्टर और नेपाल के बच्चों को दूसरे देशों में जाकर डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी और अब नेपाल हर दिन बड़े बड़े विकास करता दिखाई दे रहा है और वो दिन दूर नहीं जब नेपाल विकासशील देशों में गिना जाएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कमेंट लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नेपाल की हर नई अपडेट आप तक पहुंच सके।